नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, दोनों सीटों पर लहराया परचम। मंगलौर उपचुनाव मतगणना में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन सबसे आगे रहे, तो वही बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस की हुई बड़ी जीत। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह भटोला ने 5,224 वोटों से की जीत हासिल। आज जारी हुए 7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे, 11 सीट के रिजल्ट घोषित। 4 पर कांग्रेस, 3 पर टीएमसी, तो वहीं 2 पर भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी और निर्दलीय को मिली एक एक सीट। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में हुई 21 लोगों की मौत है, तो वहीं रोहतास में झरने में फंसे 6 लोग। इसके अलावा एमपी यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा ने 3,252 वोटों से जीत हासिल की। 17वें राउंड तक आगे थी कांग्रेस, आखिर के 3 राउंड में पलटी बाजी। पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोलने पर आज हो सकता है फैसला। आखिरी बार 46 साल पहले खोली गई थी ट्रेजरी, दरअसल भाजपा के चुनावी वादे में था ये शामिल। नाइजीरिया में हुआ बड़ा हादसा, स्कूल बिल्डिंग गिरने से 22 छात्रों की हुई मौत, 100 से अधिक हुए घायल। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दरअसल हरियाणा सरकार को लगता है कि बैरिकेड्स खोलने से शंभू बॉर्डर पर हजारों आंदोलनकारी फिर से जमा हो सकते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग एक हफ्ते में खुलवाई जाए। वहीं इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की ही होगी। वहीं साथ में हाईकोर्ट ने किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अब शंभू बॉर्डर पर महज 500 प्रदर्शनकारी हैं, इसीलिए अब यह हाईवे खोल दिया जा सकता है। यह हाईवे पिछले 5 महीने से बंद है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश सिर माथे पर है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना भी राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र व जिम्मेदारी है। सरकार ने पहले भी आंदोलनकारियों से वार्ता की है और अब भी बात कर रहे हैं। किसान को मजबूत करने के लिए भाजपा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की नीति को मंजूरी दे दी है। दरअसल इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिनके पास शहरी क्षेत्रों में या तो अपना मकान नहीं है या फिर वे वर्तमान में कच्चे मकान में रहते हैं। बता दें कि शुरुआत में इन योजनाओं के तहत 1,00,000 आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में सालाना आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए और परिवार के किसी भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ये निर्णय मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने पंचायतों में 20 साल से काबिज लोगों को राहत देते हुए मालिकाना हक देने का निर्णय भी लिया है, लेकिन इसके लिए बाजार मूल्य के बराबर धनराशि सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी। बताते चले कि इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती दरों पर आवास और आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार रात को पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इसमें कुख्यात गैंगस्टर फिरोती किंग हिमांशु भाऊ गैंग 3 कुख्यात शार्प शूटरों को पुलिस ने मार गिराया है। वहीं इस दौरान दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर अरुण को भी गोली लगी है। बता दें पुलिस ने रात को ही तीनों बदमाशों के शव अस्पताल पहुंचा दिए। दरअसल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों की पहचान हिसार निवासी आशीष उर्फ लालू, हिसार के गाँव खरहड़ निवासी सन्नी खरहड़ और सोनीपत के गोहाना के गाँव रिठाना निवासी विक्की के रूप में हुई है।
वहीं बताते चले कि हिसार में व्यापारियों से मांगी गई फिरौती समेत कई मर्डर व अन्य वारदातों में इनका हाथ है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर लाखों रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। सभी पर हरियाणा और दिल्ली में लूट, हत्या, फिरौती जैसे करीब 29 केस दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से इनकी तलाश कर रही थी। जानकारी के अनुसार सोनीपत एसटीएफ और न्यू दिल्ली रेंज पुलिस ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। इन बदमाशों से पुलिस को 5 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। हरियाणा के पलवल में जिला डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे 4 आरोपियों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वह किस वारदात को अंजाम देने के लिए और कहां जा रहे थे। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक सेंट्रो गाड़ी भी बरामद हुई है जिस पर फर्जी नंबर लगाया हुआ था। बता दें कि हतीन थाना प्रभारी छत्रपाल के अनुसार डिटेक्टिव स्टाफ हतीन रेस्ट हाउस चौक पर पहुंची तो सूचना मिली कि 4 आरोपी हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने उटावड़ हतीन मार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान एक सेंट्रो कार दिखाई दी जिस गाड़ी को चेक करने पर गाड़ी के नंबर को टेप लगाकर बदला हुआ दिखाई दिया ताकि वारदात के दौरान कोई गाड़ी का नंबर नोट ना कर सके। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बरामद देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और कब्जे में ले लिए हैं। इन संबंध में हतीन थाने में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है वे अवैध हथियार कहां से लेकर आए और किस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अंबाला छावनी विधायक अनिल विज ने अपने आवास पर अंबाला छावनी में विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल इस दौरान अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में RCS उड़ान योजना के तहत विमान सेवा जल्द शुरुआत की जाएगी जिसका शहरवासियों को लाभ मिले। दरअसल अनिल विज ने कहा कि छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के टर्मिनल का निर्माण अधिकारी तय समय में करें ताकि उड़ान सेवा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वहीं साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। वही टर्मिनल में यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं व अन्य प्रबंधों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि टर्मिनल में यात्री व VIP के लिए अलग से बैठने की सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा टर्मिनल के बाहर लाइट्स, पार्किंग, अन्य प्रावधान भी तय समय में पूरे हो जाने चाहिए। अनिल विज ने अधिकारियों को निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि अंबाला से उड़ान सेवा देश के अन्य शहरों के लिए जल्द ही शुरू की जा सके। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।